मैं रंगोली रसोगी रंगोली की रसोई से आज आपको मिक्स सॉस पास्ता बता रही हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले पास्ते को उबालने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने पानी चढ़ा दिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया 2 चम्मच और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इस मेरा पानी बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें बॉयल हो गया, मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। और इधर मैंने इधर टमाटर चढ़ा दिया है, मैंने 2 टमाटर को भी मैंने बॉयल कर लिया है। देखिए मेरा पास्ता हो गया है, इसको आप हाथ से दबा के देख सकते हैं। अब इसमें मैंने पलट दिया, मैंने टमाटर को जो मैंने उबाल के रखे थे इसका छिलका निकाल लिया है और इसको मैंने काट के इसकी प्यूरी बना लेनी है मुझे। अब मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है 2 चम्मच, और अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी काट के और थोड़ा सा भून लूँगी अदरक को। और इसी समय आप लहसुन प्याज अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने जो प्यूरी पीस के रखी थी वो डाल दिया है। और देखिए थोड़ा सा पक जाए तब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है ताकि इसकी रंगत अच्छी आ जाए। नमक डाल दिया है और मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, ऑरेगानो डाल दिया है और ऑरेगानो थोड़ा सा और डाल दिया। फिर मैंने काली मिर्च डाल दिया है इसमें और बस इसको थोड़ा सा पका लूँगी। मैंने टमाटो सॉस डाल दिया, ये भी घर का बना हुआ मेरा बिना प्याज का। अब मैं इसमें शिमला मिर्च मैंने काट के रखी थी बीजे निकाल के, अब इसको मैं इसमें डाल के थोड़ा सा शिमला मिर्च को पका लूँगी। ये मेरा रेड सॉस बन गया है। अब मैं दूसरा पैन चढ़ाऊँगी, उसमें मैं वाइट सॉस बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने मक्खन डाल दिया है थोड़ा सा, और बिल्कुल धीमी आँच में इसको बनाना है मुझे और इसको चलाते रहना। मैंने 1 चम्मच मैदा डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा बड़ा चम्मच है मेरा। और मैं इसमें दूध थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा सा ये भुन जाएगा ना मैदा, तब मैं इसमें 2 गिलास मैंने दूध डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि लम्स ना बन जाए इसमें। अब देखिए ये मैंने 1 गिलास डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी। इसको चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है मुझे, नहीं तो लम्स बन जाएंगे, सॉस ख़राब हो जाएगा मेरा। मैं 1 गिलास और दूध इसमें डाल दूँगी, देखिए गाढ़ा हो रहा है ना, तो 1 गिलास और दूध डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें ना मैंने वो मोरगेला चीज़ मैंने घिस के रखा था वो डाल दिया, ये भी मेरा घर का बना हुआ है। अब मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी और जो मैंने प्यूरी रेड वाली बनाई थी वो मैं इसमें मिला दूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अगर आपको और अच्छा कलर चाहिए तो आप रेड कलर भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है और इसको थोड़ा सा इसको चला लूँगी। चीज़ आपको डालना हो तो डालिए, नहीं डालना हो तो नहीं डालिए, ये आपकी मर्जी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक मेरा कम हो गया होगा, मैं थोड़ा सा इसमें बस नमक ये और डाल देती हूँ, बस इसको भी मैं चला लूँगी नमक डाल के। देखिए मेरा पास्ता तैयार हो गया है, मिक्स सॉस पास्ता तैयार है। इसकी मैंने निकाल के प्लेट में, इसमें मैंने चीज़ थोड़ी सी डाल दी है, ऑरेगानो डाल दिया और चिली फ्लेक्स डाल दिया थोड़ा सा।